हेलो दोस्तों, व्हेन डू यू वेक अप? आप कितने बजे उठते हो हर सुबह? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज मैं आज 28 साल का हूँ एंड आई एम रियलाइजिंग नाउ कि वेकिंग अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग इज वेरी वेरी प्रोडक्टिव. एंड जो मेरे को पता था जब मैं 22 साल का था, जब मैं 24 साल का था, तब भी ये चीज़ें मुझे पता थी, लेकिन उस टाइम मैंने वे आउट ढूंढे. मैंने ये सोचा कि नहीं, हर किसी का अलग हो सकता है. कोई रात में पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, तो मैं रात में पढ़ लूँगा और क्या क्या ही फर्क पड़ जाएगा. आई थॉट इट वर्क, बट ऐसा नहीं है. मैं एमटेक में भी था, तब भी मुझे सुबह उठने का फ़ायदा हुआ था. जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, तब भी मुझे सुबह उठ के काम करने का बहुत फ़ायदा होता था. और जब मैं जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा था, याद रखना, जॉब होता है 9 to 5, उस टाइम जब मैं सुबह उठ के काम करता था, तब भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ. जस्ट फॉर दैट मैटर कि मैं सुबह उठ के 5 बजे उठ के पढ़ लेता था एक घंटे का कुछ भी एक टॉपिक, उस पर मैं शाम पे आके एक टेस्ट लिख देता था, या फिर अदर वे राउंड कि मैंने शाम में पढ़ लिया एंड नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग मैंने एक टेस्ट सीरीज का जैसे सब्जेक्ट टेस्ट लिख दी. सो दैट इज हाउ आई यूज टू वर्क. और मैंने 3 महीने में गेट क्लियर कर ली थी. 3 महीने में मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, 1 साल तो मैंने फाइनल ईयर में प्रिपेयर किया था, मेरा रैंक बहुत खराब आया था. नेक्स्ट ईयर मैं जॉब करने गया था और मैंने नवंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. प्रिपरेशन मतलब यही 2 घंटे का पर डे, और उसमें भी 3-4 महीने में मैंने जो भी किया उसमें मेरी गेट बहुत अच्छी तरह से निकल गई थी. तो उठना, सुबह उठ के काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि रात में काम करके भी चीज़ें हो जाएंगी, एक पर्सपेक्टिव देता हूँ आपको. जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी काफ़ी. जैसे आपको किसी के साथ काम करना है, या फिर जो भी रूटीन वर्क है और ऑफिस वर्क है, किसी दफ्तर में जाके कुछ काम करना हो, जो भी चीज़ें हो, ये 9 से 5 इस टाइम में होती है. अगर आप रात में जग के काम करते हो, ठीक है, रात में लेट सोते हो, ऑब्वियसली यू विल वॉन्ट टू स्टार्ट योर डे लेटर इन द डे, है ना. ऐसा नहीं है, आप ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर सकते कि हाँ मैं रात में लेट सोऊंगा और फिर भी 5 बजे उठूंगा. थोड़ी आपको भी नींद चाहिए, आपके बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होती है. तो एक तो आप वैसे क्रम्बल करोगे. अगर आप फिर भी आपका स्लीप साइकिल ठीक से कंप्लीट करते हो, 8 घंटा सो लेते हो, तो आपकी जो वर्क करने की इच्छा होगी खुद के लिए, गेट जैसी चीज़ है या फिर आपकी खुद की जो पढ़ाई है, वो आप लेट शुरू करोगे. और ऐसे लेट शुरू करने के बाद ये जो सारे काम होते हैं ना, जो बाकी के काम है, जैसे दफ्तर हो गया, रूटीन काम है, इनके इंटरप्शन या फिर ये जो डिस्ट्रैक्शन के चांसेस हैं, ये बढ़ जाते हैं. ऐसा नहीं है कि उसमें आप फंस ही जाओगे, लेकिन उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं. और यूजुअली शाम वाला जो टाइम होता है, जो 5 के बाद 6 के बाद, यूजली फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि हाँ हमारे साथ ये रहेगा. और मेरे को पर्सनली शाम में थोड़ा खेलना, थोड़ा बाहर जाके घूमना, मिलना लोगों से, ये ज़्यादा पसंद था मेरे लिए. वो पर्सनली वर्क करता था, तो शाम में भी अलग टाइप की हसल पसंद होती है. तो उसमें भी खुद के लिए टाइम आप नहीं निकाल पाते. खुद के लिए 2 ही टाइम आप निकाल सकते हो, एक तो सुबह वाला या फिर एकदम रात वाला, मेरे हिसाब से. तो क्लियर कट, अगर आप सुबह सुबह उठ के काम करते हो, जब सारी दुनिया सो रही है तब आप भी सो जाते हो, और सुबह सुबह उठ के अगर काम करते हो, तो एक बहुत बढ़िया झील आप में आएगी. एक कुछ अचीव करने का एक जैसे सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाता है सुबह सुबह. अगर आप कुछ अकम्प्लिश कर देते हो तो ग्रेट स्टार्ट. इट्स लाइक सहवाग और सचिन ने ही भैया 100 रन की पार्टनरशिप बना दी, अब तो एकदम 300 के ऊपर ही जाने वाला है स्कोर. सो अ गुड स्टार्ट इज़ अ वेरी गुड डील. तो आप सुबह उठ के अगर काम करोगे तो बहुत बहुत सही चीज़ है मेरे लिए. तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सुबह उठ के एमटेक में भी मेरे को कैसे फ़ायदा हुआ. कि एमटेक में अगर मैं सुबह उठ के क्लासेस लगाता था तो बहुत सही एनर्जी रहती थी सुबह सुबह, एंड मेरे सारे बाकी के काम सही होते थे. आईआईटी में बल्कि मैंने ये भी गलती की कि मैं ड्रामेटिक्स करता था. हम काफ़ी लोग ड्रामेटिक्स करते थे, रात तक खींचती थी वो चीज़ें, और सुबह सुबह कभी कभी मैं क्लासेस नहीं लगा पाता. आईआईटी जैसी जगह, एनआईटी जैसी जगह, जो भी आप कॉलेजेस में हो, वहाँ पे सुबह सुबह क्लासेस होते हैं. और अगर वो आपने नहीं लगाए तो यू हैव दैट इचिंग इन योर माइंड कि अरे यार क्लास नहीं हुआ, क्लास नहीं लगा पाए, या फिर नाश्ता नहीं हुआ, जो भी है, तो एनर्जी डाउन चलने जाती है. हमने इस पर एक वीडियो बनाया है. तो बेसिकली टाइम मैनेज करने से भी अच्छा ये होता है कि आपकी एनर्जी आप मैनेज करो. तो ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और ऊपर भी यहाँ पे भी डाल दूंगा, तो ये वीडियो आप देख सकते हो. इसमें मैंने बताया था, काफ़ी पुराना वीडियो बताया था, कि कैसे आपको एनर्जी मैनेज करनी है इंस्टेड ऑफ योर टाइम. ऑफकोर्स टाइम तो मैनेज करना ही है, लेकिन एनर्जी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड आई थिंक एंड रिसर्च प्रूव दैट मॉर्निंग में आपकी एनर्जी बहुत सही होती है.
और आप ब्रेकफास्ट भी लगा सकते हो, आपका साइकिल बहुत सही चलता है, हेल्थ इश्यूज कम होते हैं। मेरे को तो बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं पर्सनली, अगर मैं रात में जग के काम करता हूँ, मुँह के छाले हो गए या फिर जो भी है। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आप कब उठते हो, आपका क्या प्रेफरेंस है, एंड डू यू रियली एग्री विद दिस। इफ यू डू नॉट हैव एनी से इंक्लिनेशन टू दिस, आई वुड रेकमेंड कि आप सुबह उठो एंड ऑल्सो रीड द बुक 5 AM क्लब। ऑल्सो आई एम पुटिंग द लिंक फॉर द टेस्ट बुक पास इन द डिस्क्रिप्शन। If you are interested in buying a test series for your GATE preparation, there is a very good deal. बहुत कम रुपए में बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज आपको मिल सकती है। So go for it and let me know in the comment section जो भी आपके thoughts हैं। मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान देते रहिए।